हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं प्रॉन्स करी थोड़े अलग स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पतीला रखा है गर्म होने के लिए। उस पर 4 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। चेक करेंगे तेल हमारा गरम हुआ है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं गार्लिक यानी लहसुन डालूंगी, मिक्स करेंगे। गैस मैंने स्लो पे रखा है। हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। चलाते रहना है इसको। कच्चापन है इसलिए चलाते रहना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 छोटे चम्मच टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है। अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आप ऑयल में ही जो मसाले हैं ऐड करोगे तो जो करी का कलर आता है बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्रॉन्स। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। देख रहे हो आप, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक टमाटर ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 काट के बैंगन ऐड किया हुआ है। आप चाहे तो आलू भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आलू ऐड नहीं किया है। मिक्स करेंगे अच्छे से। पानी ऐड करना है। स्पून को जो मसाले लगे थे उसको निकाल के लेंगे। लगभग आग पे मैंने 2 बड़े ग्लास पानी ऐड किया है। अगर आप करी ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हो। और स्वाद अनुसार यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, नमक। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। लो मीडियम पे इसको पकने देंगे। ये देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर आया हमारे करी का। उबल आ रही है। धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे इसमें। मिक्स कर देंगे अच्छे से।
यहाँ पे मैं ढक्कन रख रही हूँ। लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 10 मिनट तक। दस मिनट हो चुके हैं, चेक करेंगे जो वेजिटेबल्स हैं पके हैं कि नहीं। थोड़ा सा कच्चा लग रहा है इसलिए मैं वापस इसको रख देती हूँ। वापस से थोड़ा सा पका के लेंगे। 5 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हो आप। चेक करेंगे जो वेजिटेबल्स हैं पके हैं कि नहीं। ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे हाई फ्लेम पे गैस रखूंगी। एक उबल आने तक ये उबल आ चुकी है। हम गैस को बंद करके 2 मिनट बस रेस्ट करना है। इसको सर्व करेंगे। घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये करी बनती है। देखिए कलर भी बहुत ही मस्त आया है करी को। देख सकते हो आप। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।